मैं मौत से नहीं डरता मेरे भाइयों, मौत तो एक दिन आएगी, आप इस बात को याद रखना, मैं मौत से नहीं डरता। मैं आपको ये कह रहा हूं, जब तक जिएगा चंद्रशेखर आजाद शेर की तरह जिएगा, मेरे बात को आप याद रखना। पत्रकार साथी भी खड़े हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि इनके क्षेत्र में क्या चल रहा है। आज हमारे कई सारे प्रोग्राम थे, गौर से सुन लेना एक बार, आपस में बात मत करो, बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल हुए। क्यों? क्योंकि सुरक्षा एजेंसी के लोग सुबह हमारे पास आ गए थे। हमारा ये वेम था कि हम उनसे जाने कि भाई अचानक ये किस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। अब हमारा चुनावी कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमारे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे खिलाफ कोई साजिश करने के लिए सब चीजें हुई है। तो वो सुबह आए, उन्होंने हमें सारे कागज दिखाए कि आपकी जान को खतरा है, कभी भी आप पे हमला हो सकता है, हम पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, आपको आपकी हत्या की साजिश हो रही है, 6 महीने पहले आप पे गोली चली थी। जिन लोगों ने 6 महीने पहले गोली चलाई थी वो नहीं चाहते आप चुनाव जीत के आगे बढ़ो, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। इसलिए हमारा फर्ज है कि हम आपको सुरक्षा दें, क्योंकि अगर आपको कुछ होता है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उनके साथ मेरा समय लग गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं नईम भाई और तमाम साथी बैठे, वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? नईम भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का क्या बुरा किया है? मेरे पास 39-40 मुकदमे हैं, आपने पढ़ा हुआ एफिडेविट में, एक भी मेरा नहीं है। सारे गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, सारे उनकी आवाज उठाते हैं, सारे उनको न्याय दिलाते हैं, तो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? क्यों मारना चाहते हैं मुझे? मेरे मरने से किसको फायदा और किसको नुकसान है आप सब जानते हो। मैं मौत से नहीं डरता मेरे भाइयों, मौत तो एक दिन आएगी, आप इस बात को याद रखना, मैं मौत से नहीं डरता। मैं आपको ये कह रहा हूं, जब तक जिएगा चंद्रशेखर आजाद शेर की तरह जिएगा, मेरे बात को आप याद रखना, मेरे बात याद रखना। वो अलग बात है कि अभी सियासी रूप से कमजोर हूं, लेकिन ये मत समझना कि कमजोर, बिल्कुल मत समझना। बड़ी बड़ी सरकारों के घुटने टिकवा रखे हैं भीमार में आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, मेरी बात को आप याद रखना। मैं रहा हूं जाम अगर आपसे फील करके, ऐसा ना हो कि पैसे वाला कोई और कोई झंडा लेकर आ जाओ और आप अपनी औलाद को भूल जाओ। पक्का आप बताओ, ऐसा तो नहीं होगा? देखो फिर ये गुरु कह रहे हैं, मेरे खून का कतरा कतरा अगर आपको जरूरत है तो ले लो।